गीता जी का पाठ पहला अध्याय श्लोक संख्या 31 से 40 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु पश्यामि विपरीतानि केशव न तस्येयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमहवि न कांक्षे विजयं कृष्ण न स राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषामार्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यपाधनानि च आचार्या पितरः पुत्र
तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रा श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमेच्छामि तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः पूर्णो महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान्न कापि स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् धत्रैतानाथतरिण तस्मान्नारा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनां हि कथं हत्वा सुखिनस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति दुर्भोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं नेत्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापातस्मान्निवासितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मो विभवत्युत वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं Hare Shara Hare Shara Hare
का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 29 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनांतर में हुआ। राम सापसती तारी नाम कोटि खल कुमति सिधारी। कल जब मैंने यह पंक्ति पढ़ी तो मुझे हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। अब परंतु भगवान नाम जप की महिमा के बारे में बताने की कृपा करें। जो है कृपा तो भगवान की होती, कृपा करने का सामर्थ्य भगवान में है, असमर्थ विचार क्या करे। एक तो सामर्थ्य पूरी होनी चाहिए, एक सर्वज्ञता पूरी होनी चाहिए, एक परम दयालुता होनी चाहिए और तो अनंत शक्तियां अनंत भगवान के महात्म के प्रश्न है। परंतु तीन बात तो जरूर हो, सर्वज्ञ हो, सर्व समर्थ हो और परम दयालु हो। सर्वज्ञ न हो तो दुखों को नहीं जान सकता किसी का दुख है, और दुखों को जाने समर्थ न हो तो क्या करे। और समर्थ भी है, जानते भी है, दया न हो गरीब, परम दयालु भी हो और सर्व समर्थ भी हो और सर्वज्ञ हो तो वो कृपा कर सकता है, कृपा उसकी। ऐसे परमात्मा ही है। इसमें ये बात है कि राम एक तापस तीय तारी, राम है, राम उत्सव से 5 बजे 4 हुए, राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये 5 साल राम नाम छोटी चार चार बात आई। तो राम जी ने क्या किया, कहते राम जी ये जो प्रकरण है नाम वंदना के 7 प्रकरण है, 9 दोहा है, उस 7 प्रकरणों में राम जी के और नाम की जो तुल्यता बताते हैं वो प्रकरण है कि राम जी ने क्या किया, नाम जी ने क्या किया, नाम महाराज ने क्या किया, राम महाराज ने क्या किया, इसका वर्णन है। उसके वर्णन में ये बात छुपाई आई है। तो राम एक तापस तीय तारी, राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, मानो अहल्या का उद्धार किया। राम तो नाम क्या करता है, नाम कोटि, एक जगह करोड़ों, और वो राम एक तापस तीय अरिया कोटि खल, दुष्ट की जो बुद्धि जैसे तीय है ऐसे खल कुमति सुधारी, कुमति का सुधार कर दिया। तो दोनों का विचार करे तो राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री का, राम एक या नाम कोटि, तो कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, करोड़ा मानो अनगिनती है। नाम की महाराज ने कितनों का उद्धार किया और कितनों का कर रहे हैं और कितनों का करेंगे इसको गिनते रहेंगे। तो एक ही जगह करोड़ तो नाम की महिमा राम जी से अधिक हुई ना।
तो राम जी से भी नाम जी की महिमा अधिक है। अब दूसरी बात अपने देखें, बीच में याद आ गई, राम जी तो एक समय ही अवतार लिया, और नाम जी का अवतार हरदम चारों युगों में नाम जी, और जिसमें विशेष अवतार अभी कल युग में युग सर्वश्रुति नाम प्रभाव, और कल विशेष कल में नाम का प्रभाव और विशेष है। तो राम जी ने एक तपस्वी कोटि खल कुमति करोड़ों, और खल दुष्टों की कुमति वह थी कोटिय नहीं थी, तापस तीय तारी वो ऋषि के थी, तो ऋषि का आधा अंग तो हुआ तो पवित्र था ही, तपस्वी का आधा अंग कैसे खराब था, वो आधा अंग है, तो दोनों स्त्री पुरुष दोनों होकर के एक ग्रस्त कहलाते हैं, तो तपस्वी की स्त्री है वो, तो उनका आश्चर्य उद्धार कर दे, तपस्वी की स्त्री का उद्धार दिया। यहाँ तपस्वी की जगह खल दुष्ट, तो दुष्ट आदमी है खल है, उनकी गैर कुमति कुमति सुमति सबके उड़ रहा है, तो खल के बीच में भी सुमति कभी आती है, तो कुमति सुमति सबके उड़ रहा है, वेद पुराण संत अस कही, तो कुमति है दूसरी भी कुमति विभाग लेना, खल की भी सुमति विभाग नहीं, ऐसे कुमति खल कुमति सुधारी, उन्होंने तो स्त्री का उद्धार किया, दुष्टों की खोटी बुद्धों को सुधार दिया, तो बुद्धि को सुधार दे तो वो दूसरा का उद्धार कर दे, अल्या का उद्धार कर दिया, तो एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, या करोड़ों दुष्टों की खोटी बुद्धि का सुधार कर दिया, तो संत में दुष्ट में फर्क क्या होता है, बुद्धि का ही फर्क, और क्या है, आत्मा एक है और पंच द्वंद पंच भूत एक है, शरीर वैसे ही है, अवयव वैसे ही है, क्षितिगत पावक गगन समीरा, दुष्ट का रोग जो महात्मा को उससे दिए गई है, फर्क तो बुद्धि में ही है, दुष्ट की बुद्धि और होती है और संत महात्मा की बुद्धि और होती है, और क्या फर्क पड़ता है, चेतन में फर्क पड़ता है, जड़ में फर्क पड़ता है, ना जड़ में फर्क पड़ता है ना चेतन में फर्क पड़ता, फर्क तो बुद्धि में ही पड़ता है, तो करोड़ों की बुद्धि का सुधार कर दिया, तो बुद्धि सुधरने से महात्मा हो जाए संत हो जाए, तो दुष्टों के संत हो जाए वे करोड़ों ही, वे कितनों का उद्धार कर दे, गिनती नहीं है, तो नाम की महिमा राम जी से भी अधिक है। इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई, नाम की बड़ाई कितने कहां तक कहूं मैं, राम जी खुद भी नाम की बड़ाई करने लगे तो वे कह सकते नहीं, कितनी देर बात बताई, राम जी नाम की महिमा कहते नहीं, कहा कह सके नहीं, कह सकते नहीं, भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी नाम की महिमा कहने में असमर्थ है। वो स्वामी जी अपने इष्ट देव को, जो कि हरेक सज्जन अपने इष्ट देव को कमजोर नहीं बताता, अपने इष्ट देव को सर्वश्रेष्ठ ही बताता है, सर्वश्रेष्ठ आदमी मानते होनी चाहिए, नहीं तो इष्ट कैसा, अपने इष्ट में भी अगर कमी मानता है तो इष्ट कैसा भाई, फिर भाव है कैसी, तो राम जी के खास भक्ति तो वे राम जी को असमर्थ बता देते, रामन शकर नाम गुण गाई, असमर्थ बताए ना, नाम गुण गाने में असमर्थ है भगवान, तो अपने इष्ट देव को भी असमर्थ बता देते हैं, अब कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई कहां तक कहूं, कहां तक मान हद नहीं है, राम जी भी हद नहीं पा सकते तो मैं कहां तक हद पाऊंगा, कहां तक कहूंगा, तो कितने तक कहां तक पहुंचू मैं, रामन सदन नाम गुण गाई,
तो राम एकता पशती थारी नाम कोटि खल कुमत सुधारी। तो ये नाम है वो राम जी से बढ़कर है। पहले नाम और राम की बड़ाई बताई, फिर नाम नाम और नामी की, फिर राम और नाम ने की बड़ाई बताई। ये दो प्रकार है, एक तो नामी की बड़ाई बताई, एक नाम की बड़ाई बताई। तो नामी से भी राम नाम बढ़कर रहे, तो नामी से बढ़कर गए, राम से भी बढ़कर राम का नाम है। तो ये बात विशेषता से बताई। राम जी तो एक युग में हुए, नाम जी सब युग में। और विशेष दोबारा कहता हूँ, पहले कह चुका हूँ आज, कल युग में नाम की महिमा अधिक नहीं। कल कर्मन भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। वेद में तीन कांड बतलाते हैं, एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड है और एक ज्ञान कांड है। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कलि कर्मन, कल युग में कर्म कांड का भी ठीक तरह से अनुष्ठान नहीं हो सकता। और उपासना नहीं कलि कर्मन भगति, उपासना का भी सांग उपांग बढ़ने का अनुष्ठान नहीं कर सकते कल युग में। और नहीं कलि कर्मन भगति विवेको, विवेक ज्ञान मार्ग, तो भक्ति का भी अनुष्ठान ठीक तरह से कलयुग में नहीं कर सकते। तो वेद भी जहाँ हाथ पसा देता, भाई हमारी बात नहीं, नहीं कर कर्म भक्ति भी, राम नाम ये अवलंबन, ये नाम का ही सहारा है। तो सब कुछ कर सकता है नाम महाराज। तो कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। क्यों? नहीं आन उपाय, तुझे उपाय नहीं है। अब वेद के उपाय भी जहाँ कुंठित तो हो जाए, तो दूसरा उपाय क्या करेगा? नहीं करे कर्म ना भक्ति को, और क्या करेगा? इस वास्ते दूसरा उपाय ऐसा नहीं है नाम के समान। तो नाम की महिमा राम जी से भी अधिक है। राम जी से अधिक है तो राम जी के दर्शन तो त्रेता युग में हुए, और नाम जी के दर्शन चारों युग में, चौसुति नाम प्रभाव चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव। वेदों का भी ज्ञान कांड छोटा है, कर्म कांड उपासना कांड बड़ा है, मैंने ऐसा सुना है। कर्म कांड के 1,00,000 नाम बताते, नाम वेद का प्रमाण 1,00,000 है, 1,00,000 लोग, जिसमें 80,000 में कर्म कांड का वर्णन है और 14,000 में, 16,000 में क्या भक्ति का वर्णन, उपासना का वर्णन है, और 4,000 में ज्ञान का वर्णन है। बोलो, 16,000 तो कर्म कांड है, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, और 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड के, जो उपनिषद विभाग है। तो ज्ञान भी उसमें थोड़ा है, उपासना कर्म कांड ज्यादा है। वो नाम की महिमा चारों युगों में और कर्ज में विशेषता से नाम की महिमा। तो नाम उपासना में आ जाता है। नाम में कभी कभी कोई पूछ दे क्रिया, मैं कहता हूँ कभी कभी, कई बार मैं कह देता हूँ ये कि क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? क्रिया है जड़, पदार्थ है जड़, तो पदार्थों के द्वारा कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे, क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहे, तो कैसे हो सकता है? गीता में आया है सारा, नाम भेदे न तपसा न दाने नतीजया, वेदों से तपस्या से इनसे नहीं होता हूँ, नहीं लाने सकती है। 17वां अध्याय वो श्लोक 23वां आगे 27वां अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंजयत,
ठीक है नाथ, अश्रद्धया होतम दत्तम और तपस तो तीन बताया पीछे, ये दान तप के तीन तीन भेद बताया सात्विकता, तो अश्रद्धया होतम और दत्तम और तपस तपतम तीनों आगे दान तप यज्ञ तपस तथा दान तेषा भेद में मैं सुनू, तो 22 तक ये तीनों को भेद आया। इसके बाद नाम की बात आई तो इसमें कहा होतम दत्तम तपस तपतम कृतन से यज्ञ जो किया जाए कृतन से यज्ञ असत, वो असत है ना यहाँ होता ना परलोक में रस्त प्रेत्य न हुई है, तो लोग कहते क्रिया फिर राम नाम की क्रिया ही होगी, राम नाम तो क्रिया ही है, राम 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 क्रिया ही, तो कृतन से यज्ञ तो मैं कहता हूँ कृतन से यज्ञ में राम नाम नहीं आता, राम नाम उपासना में ले सकते हो आप, एक क्रिया में कर्म कांड में नहीं आता राम नाम, उपासना में ले सकते हो, राम नाम से उपासना भगवान की होती है, तो कर्म में संबंध होता है संसार के साथ पदार्थों के साथ, उपासना में संबंध होता है भगवान के साथ, तो कृतन से यज्ञ यहाँ नहीं लिया जाएगा, कहते भगवान ने कृतन से यज्ञ कह दिया, जो कुछ किया जाए तो जो कुछ किया जाए नाम जब भी आ जाएगा, तो बात तो ठीक है परंतु शस्त्र का शस्त्र शस्त्र के शिव प्रणम मनु शस्त्र तो अशस्त्र, तो शस्त्र ज्ञान यज्ञ दान और तप इनके साथ क्रिया ली जाएगी तो उपासना नहीं ली जाएगी, यज्ञ दान तप जैसी क्रिया है वो कृतन से तो होगा, जैसे तीर्थ करना है व्रत करना है बगीचा लगाना है प्याऊ लगा देना है, ये कृतन से तुम्हें क्रिया ही नहीं जाएगी, नाम नहीं आएगा इसमें, कृतन से तुम्हें नाम नहीं आता, क्योंकि नाम तो उपासना में चला गया, भगवान के तो नाम किसका लेता है भगवान का, क्रिया करने में तो पदार्थों का आश्रय होता है और उपासना में भगवान को उपास्य का आश्रय होता है, ये जड़ का आश्रय है क्रियाओं में, वहां चेतन का आश्रय है, इस बात है राम नाम क्रिया नहीं है, ये भगवान के साथ संबंध है, तो क्रिया तो निष्काम भाव हो तो कल्याण करे, क्रिया में थोड़ा ही कल्याण करने का उपाय है, उसमें सामर्थ्य है, क्रिया में उद्धार करने की सामर्थ्य क्रिया में नहीं है, क्रिया में तो पदार्थों की है, शरीर की शुद्धि आदि हो जाए, संसार की शुद्धि हो जाए, द्रव्य की शुद्धि हो जाए, ऐसी इनकी शुद्धि हो जाए क्रियाओं से, दान पुण्य आदि से द्रव्य शुद्धि हो जाए, हाथ धोने से स्वरूप मिट्टी से ये शुद्धि हो जाए, स्नान आदि से शरीर की शुद्धि हो जाए, ऐसे उपासना प्राणायाम आदि आसन आदि से शरीर की शुद्धि हो जाए, ये क्रिया शरीर तक ही पहुँचती है और उपासना शरीर में नहीं रहती है भगवान तक पहुँचती है, इस बात के कृतन से यज्ञ के अंतर्गत नाम नहीं लेना। ओम तत्सत देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मिता नाम जो बात में कहा 22, 23, 24, 25 सभी है, तो इनमें ओम तत्सत की महिमा बताई, ओम तत्सत की एक में मैंने बताई, फिर एक में ओम का वर्ण किया, एक में तत् का वर्ण किया, दो में सत का वर्ण किया, एक में असत का वर्ण किया, श्रृंगार किया, तो ओम तत्सत ये भगवान का नाम है, तो ये भगवान का नाम क्यों कहा, यहाँ तो कोई प्रसंग नहीं, अर्जुन का प्रश्न तो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से काम करता है उनकी निष्ठि क्या होती है ये पूछा है, जिसमें तो नहीं आया तो उसमें पूछा, जिसमें तो आहार आ गया, यज्ञ आ गया, दान आ गया, तप आ गया, दान आ गया, तो तपस्या के 6 लोगों को तपस्या के, क्यों शरीर का तप, एक वाणी का तप, एक मन का तप, एक सात्विक तप, एक राजस तप, एक तमस तप, तप के 6 लोग हो गए, तो ये अगर 3 तप दान के, अगर 3 6 ये अगर 3 के दान के हो गए, अब इसमें तो यहाँ यज्ञ दान तप आदि किया जाए, इनमें कमी रह जाए तो पूर्ति किसने होगी, तमाम भगवान का नाम उच्चारण कर, अब साधु है ना, जैसे निशाने का पाठ किया, बाद में गुरु नाम बात करेंगे तो राम 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 करते नाम अपने परम्परा, संतों की परंपरा यही है, फिर पाठ करते पाठ के बाद फिर राम 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 फिर दूसरे गंध का पाठ करेंगे, हमें रोटी पुरुष रोटी राम साग राम दाल राम भात राम 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 साग राम, तो नाम नाम करने से वो शुद्ध हो जाए, शिव भगवान का नाम ले लिया सब पवित्र हो गई,
तो यज्ञ दान तप में जो कमी रह जाए उस अंग वैगुण की सिद्धि के लिए, कोई अंग कम रह जाए तो भगवान का नाम उच्चारण कर दो, होती जाती। कोई भी काम करके अंत में हरि ही ओम तत्सत ये बोलते हैं, सही काम करते बाद में, तो भगवान के नाम उच्चारण करने से कर्म में जो भूल रह जाए, अशुद्धि रह जाए, गलती आ जाए, उस विषय की पूर्ति हो जाती है नाम से, इस बात नाम का भ्रमण आ जाए। फिर श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा को लेकर चला था ये शास्त्र मुद्रित चीजें, ये जनता श्रद्धा आने जा तो पूजन करते हैं। वो पहले श्लोक आया ना 23वां 16 का, यह शास्त्र विद्वत से जय वर्ध होते काम कार न सिद्धि में आप तो न सुख न परांगते, तो मनमाने ढंग से तो नहीं होता, परंतु ये शास्त्र बुद्धि जो यज्ञ श्रद्धा में तो यजन करते हैं श्रद्धा रखते हैं तो क्या दशा होगी, बिना श्रद्धा तो कह दिया आप सुन दी, परंतु मनमान ढंग से करते हैं बेचारे शास्त्र भी जानते नहीं, क्योंकि वहाँ शास्त्र विधि का त्याग है, जहाँ शास्त्र विधि की अज्ञता है, अनजानपना है, और श्रद्धा पूर्वक उसका फल अच्छा होना चाहिए, इसका ध्यान होता है। श्रद्धा पूर्वक जो करते हैं उन्हें क्या होता है यह ने पूछा, तो श्रद्धा की मुख्यता हुई शास्त्र विधि में श्रद्धा होता है, प्रश्न तो श्रद्धा में उठा है, शास्त्र विधि का भी त्याग कर दिया तो श्रद्धा उठी ना, इस बात उपसंहार में गया अश्रद्धा होतम दत्तम तपस्तम कृतज्ञ है वो असत ना, यहाँ ना वहां कुछ नहीं, तो श्रद्धा ही तो जीव है उसमें, शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, अब उस जीवन से तो श्रद्धा में गई, अब शास्त्र विधि का त्याग है जहाँ श्रद्धा भी नहीं है वहाँ क्या जाए राम जी, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा न श्लोक में न परलोक में। तो नाम कर लेने में नाम तो भाव कुभाव अनक आलस हो जो भाव और कुभाव, अब कुभाव भी साथ ले लिया, नाम जपने में अश्रद्धा के अश्रद्धा हुई तो कुभाव जी श्रद्धा है, श्रद्धा तो कुभाव होता है, तो भाव कुभाव नाम कुभाव अनखर आलस अनखने में कह दिया आलस में राम 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 तो ही नाम जब अब कोई श्रद्धा है ही नाम जब मंगल गिर दर्श नाम ये सीमा है सागर सुमण जे नर करही तो भव सागर गोप देवता रही, उनका तो कहना ही क्या है, तो नाम तो किसी तरह से लिया उद्धार करेगा, भाव को भाव ही तो अश्रद्धा श्रद्धा की नाम में बात नहीं है, वो कृतन जीत में नाम नहीं लेना चाहिए, नाम उसमें नहीं है, क्रिया ली गई है, क्रियाओं का वर्णन ये विधान का पद क्रिया हुआ वर्णन है, तो किसी तरह से नाम लिया जाए। एक मैंने बात सुनी है, एक कोई सज्जन थे, तो ये राम स्नेह साधु होते है ना, ये राम 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 करते हैं ऐसा, बड़े राम 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 श्वास उश्वास दोनों में लंबे श्वास जाता भी रहता भी, वो एक सज्जन ऐसे नकल करना है ऐसे राम राम करते हैं, तो वो सुना देते दूसरा हाँ कैसे करते हैं चेष्टा करते हैं, तीजे चौथा कैसे करते हैं, आध घंटा घंटा नाम जब हो गया नाम से मन लग गया संत बन गया कटता नकल निंदा में करने लगा श्वास श्वास राम राम, तो आप भी करके देख लो घंटा डेढ़ घंटा से श्वास लंबे श्वासों का देखो राम राम, तो अनक आलस कोई श्रद्धा ही कोई भक्ति वो कह बैठे उसे, तो नाम में अपार शक्ति है, नाम में उसकी यावती शक्ति पाप निर्हरने हरे तावत करतु न शक्रोति पातकम पातकी जन,
नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि जितने पाप पापी कर नहीं सकता। अब उसमें अपने 10 दोष आ जाते हैं, उससे आता आती है मेरे नाम के अपार महिमा है। नारायण 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 नारायण। होट हिलता है, जीव हिलती है, उच्चारण होता है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया तो है ही, क्रिया तो ये नहीं है क्या? श्रवण मनन क्रिया नहीं है क्या? ध्यान क्रिया नहीं है? ध्यान क्रिया नहीं है? समाधि भी क्रिया है, अक्रिया भी क्रिया है, क्रिया भी क्रिया है। ये वो जैसे कृत्य अर्थ है ना, अकृत्य नहीं है, अकृत्य है वो भी क्रिया, न करना भी क्रिया, करना भी क्रिया। उपास क्रिया थोड़ी है, नाम तो भगवान के साथ संबंध है। अभी नाम का प्रबोध गोविंद गोपाल की जय हो।